ছমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হ'ব নামনি সুৱানখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় শক্তি নবীকৰণ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিঙৰ গেৰুকামুখ প্ৰকল্পস্থলীত সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভূমিস্খলন হোৱা স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব গাৰ্ডৱাল। ভাৰতত বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যুৎ উৎপাদনক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 2014 চনলৈকে 1,00,000 মেগাৱাটৰ পৰা 9 বছৰত 2,00,000 মেগাৱাটলৈকে বৃদ্ধি হৈছে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শনৰ বাবে প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় শক্তি নবীকৰণ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিং। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 27 অক্টোবৰত একমাত্ৰ কাৰ্যক্ষম হৈ থকা 1 নম্বৰ ডাইভাৰ্চনেল টানেলৰ সন্মুখৰ ভাগত ভূমিস্খলন হোৱাত বন্ধ হৈ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সোৱণশিৰিৰ জলধাৰা। শুকান মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল নদীৰ বক্ষত। প্ৰবল প্ৰতিবাদ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক আওকাণ কৰি নামনি সোৱণশিৰিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম আগবঢ়াই নিছে, যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আজি অব্যাহত আছে, প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। আৰু তেনে সময়তেই কেন্দ্ৰীয় শক্তি নবীকৰণ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিঙৰ ঘোষণা যে ছমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হ'ব নামনি সোৱণশিৰিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। हमारा प्रोजेक्ट तो डिले हो गया 6-7 साल एनजीओ सब के हल्ला गुल्ला से। अब एनजीओ सब को पैसा कहाँ से आता था ये हमसे मत पूछिए, हम गृह सचिव भी रह चुके हैं भारत सरकार। हम लोग के लिए पूरे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे बड़ा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, वो है अरुणाचल। वो कौन सा है? अपर सिया। वो तो है नहीं, वो दिबांग भी है। दिबांग इससे बड़ा है ना, वो 2,800 मेगावाट का है दिबांग। उसका क्या हो गया, क्या स्टेटस स्टार्ट हो गया सर? काम स्टार्ट। अच्छा, तो उसमें काम शुरू हो गया। 2000 पहले सबसे बड़ा यही था प्रोजेक्ट, अब दिबांग हो गया 2,880 मेगावाट। इससे बड़ा होगा सियाग, तो 10,000 हो गया। लेकिन हम लोग 10,000 मेगावाट में खुश हो रहे हैं। चीन इसी नदी पर कितना 40,000 मेगावाट का बना रहा है। उसके बाद इसका जो 3 गॉर्जेस प्रोजेक्ट था वो कितना हजार मेगावाट का है? 22,000 मेगावाट का। डाउनस्ट्रीम का काम तो काफी हो गया जी। और डाउनस्ट्रीम का काम में हमको लगता है कितना, 500 करोड़ दे दिए, 800-800 करोड़ दिए हैं हम लोग। हमने 450 करोड़ एक है। हम लोगों का जो हिमालयन जियोलॉजी है, वो हिमालयन जियोलॉजी में अभी ये यंग माउंटेन में लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स ये सब होते हैं। हमने कहा है कि पहला काम करें ये लोग कि जो हिल में लैंडस्लाइड हुआ है उसमें ये रिटेनिंग वॉल बना करके हिल को ये स्टेबल करें, पहला काम। अपना बाकी कमीशनिंग का काम अगर तो चलता है, चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको तेज़ी से करें, तो इसको ये लोग तेज़ी से करें।